लड़के आ रहे यार, कोई पूछे क्या प्रॉब्लम, कोई हाथ रही कारोबार, शायद तेल वेल खत्म हो गया भाई, आई डोंट नो क्या हुआ, पूछ लेते हैं। अबे बेचारे यार साइड में लगा लो यार यहाँ पे, क्योंकि फोर लाइन रोड बनना है तो अब उतने चौड़ा रोड नहीं रहा। तेल खत्म हो गया भैया, पेट्रोल वगैरह मिल जाएगा यहाँ पे, लगा लोगे तुम ए? जैसे टो करके ले जाते हैं, मतलब पैर लगा के, तुम अगर स्कूटी चला लो मैं पैर लगा दूंगा पीछे से। मारो मुझे, मारो मारो। अरे मैं पैर लगाऊंगा स्कूटी में भाई आपकी। हाँ क्या, अरे नहीं उड़ेगी मैं ही उड़ाऊंगा तुम्हें तो। बड़ा हरामी हो बेटा, एक पैर में मैं वहां से यहाँ लेके आ गया भाई स्कूटी को, मां कसम लेवल वाला भाई पैर ही पैर है भयंकर थोर का थोड़ा। हेलो जी, वी आर बैक हो गए तुम्हारा इधर ब्लॉग के अंदर। सुबह कैसे हो आप लोग, होकर तो बहुत अच्छे होंगे, भयंकर गर्मी। सो गाइस अभी मामा के रूम से हम निकल रहे हैं, मतलब हम जा रहे हैं वापस अपने घर रुड़की, तो दो दिन गुजारे हैं देहरादून में, भयंकर बहुत ही गंदे गुजारे हैं। और रिएक्शन देखो तुम, पता नहीं क्यों घूर रही है भाई, किस चीज गुस्सा गुस्सा है क्या है, मनाऊ क्या बताओ यार तुम, चला जाऊंगा मैं वापस, टेंशन ना लो। और भाई पाजी की हाल चाल। सो गाइस अभी मैं सोच रहा है तुम्हारे लिए एक रोड ट्रिप बना रहा हूँ, हो सकता है हम रील्स वगैरह बनाए तो जैसे भी होगा सीन देख ही लेंगे। यार भाई बड़े लाउड हो रही है आवाज़, माँ की कसम, कैसे हो क्या हाल है। सो अभी यार एक बार भाई वगैरह से भी मिल लेते हैं सबसे, क्योंकि अब शायद ही भाई देहरादून बहुत दिनों बाद आना होगा। अब भी मेरे पास कॉल भी आ रही है यार, किसकी कॉल आ रही। सो भाई हियर इज अ स्मार्ट बॉय, बाकी सब कहाँ है। अच्छा भाई साहिब की कॉल आ रही है, देख सकते हो। हाँ जी मेरी जान, मैं देहरादून हूँ, निकल गया यहाँ से। हाँ रुड़की से आऊँगा। किस टाइम आएगा तू? 5-6 बजे। 5 बजे तक आ जाना। अच्छा ठीक, 4 बजने अभी, 5-5:30 तक आ जाना, 1.5 घंटा लग जाएगा मुझे। चलो आ जाओ। ठीक ठीक ठीक, बुला इनको। हाँ मैं चल रहा हूँ, इनको बुला दें गबरू को। सो गाइस अभी यार यहाँ से निकल रहे हैं, और अभी गर्मी इतने लेवल की लग रही है यार, राइडिंग जैकेट वैकेट डाल लिए भाई। हाँ मेरी जान, आई लव यू भाई। ये मेरा भाई बिल्कुल पक्का पक्का भाई है, वैसे तो सारे भाई है, बट ये कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही टाइप का है, मतलब एक वो कहते हैं ना MADR मादर, आगे भाई कुछ लगा लेना तो ये वाला भाई। कैमरा होने गाली मत देना, मैंने तुझे पूरी नहीं दी तुझे से। चल निकल, चल ठीक है ओके। सो गाइस यार भाई एक्चुअली मेरी मौसी के लड़के हैं यहाँ पे, मामा रहते हैं मतलब, एंड मौसी के लड़के भाई मेरे से पूछते हैं भाई तुम्हारे सगे मामा, भाई मेरे सगे ही मामा है ठीक है। और भाई ये कहते हैं ना सगे भाई हैं, सगे मामा हैं, इतना प्यार करते ना, क्या इतना लाड करते हैं बहुत लेवल का, बस अब एक ही कमी है यहाँ पे, बस अब AC लगानी है भाई। तो गाइस अभी मिल गए थे कुछ भाई लोग अपने रुड़की से, तो उन्होंने भाई साथ में थोड़ा फोटो वोटो लिए, मेरे कैमरा ऑन नहीं किया। बाकी मैं मामा की बात कर रहा था भाई, बहुत ही लेवल वाला प्यार करते हैं भाई सीरियसली। और भाई जो लोग ये कहते हैं ना सगे नहीं है, मतलब ऐसे जो मतलब कुछ भाई पूछते हैं तो भाई मेरे सगे ही हैं ठीक है। तो बाकी एक ही कमी रह गई भाई, मामा के रूम में AC लगा रही है, भयंकर नींद नहीं आई यार, रात है पसीने पसीने में भाई, दो बार नहाया हूँ मैं, जिसकी वजह से थोड़ी तबीयत भी डाउन हो रही है, और भाई बहुत लेवल की गर्मी हो रही है। अब मामा गए थे एक्चुअली आज दिल्ली, तो आज मेरी बातचीत ज़्यादा हो नहीं पाई, तो मैं सोच रहा हूँ मामा से अब आ जाएंगे ना तो फ़ोन पर बात करूँगा, या फिर नेक्स्ट टाइम आके बात कर लेंगे, कोई सेकेंड हैंड AC वगैरह का जुगाड़ करते हैं भाई, लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब हो सकता है कि गाइस मैं एडमिशन अगर मैंने लिया, क्योंकि मैंने रात बहुत सारे एक भाई हैं जहाँ मामा रहते हैं, मामा के जस्ट बगल में एक भाई रहते हैं, उन्होंने ग्राफिक एरा से MBA किया है, तो भाई उनकी जो मैंने एक घंटा जान ऐसी खाई है कि वो मुझे गाली दे रहे होंगे। सो गाइस मुकुल भाई हैं अपने, बाकी तो अब तो उनकी जॉब वगैरह प्लेसमेंट लग गई थी, तो अभी उनसे बातचीत तो हो गई है मेरी कि भाई ऐसे ऐसे उनसे रात सारी चीज़ें पूछी, अटेंडेंस वगैरह का क्या सीन है, कोर्स वगैरह की इतनी फ़ीस वगैरह है, तो उन्होंने मेरे को सब बताया भाई, सेमेस्टर वाइज फ़ीस वगैरह जाएगी इंस्टॉलमेंट के थ्रू। सो बोल रहे थे भाई स्टार्टिंग में आप जितना भी पे करोगे उसके 6 महीने बाद आपको पे करना हो, भाई 6 महीने तो रोग ही काट देंगे हम सीरियसली भाई, एक बार एडमिशन हो जाए फिर तुम रिएक्शन ब्लॉग देखना,
तो यार मेरे को कमेंट करके बताना मैं ग्राफिक एरा में एडमिशन लूँ या नहीं लूँ। आप थोड़ा कमेंट करके बताना, क्योंकि अगर मैंने ग्राफिक एरा में एडमिशन लिया, नेक्स्ट मंथ तो नहीं लूँगा, जुलाई में नहीं, जून में लेंगे, जून के एंड में, ताकि तब तक थोड़ा मौसम भी ठीक हो जाएगा देहरादून का, थोड़ी सर्दियाँ वगैरह भी आ जाएगी। एंड अगर जुलाई में लिया, इनकी ऐसा हुआ कि जुलाई वगैरह में मैंने लिया, तो हम भाई मामा के सैलून में सैलून में तो एसी है ही, हम मामा के रूम में एसी लगवा दें। मतलब अगर कोई 10,000 की मिलेगी तो 5 मामा दे देंगे, 5 मैं दे दूंगा। बाकी ओ, ओ, अबे अबे लड़के आ रही है यार, कोई पूछे क्या प्रॉब्लम, कोई हाथ रही कार बार, शायद तेल वेल खत्म हो गया भाई, आई डोंट नो क्या हुआ, पूछ लेते हैं। अबे बेचारे यार साइड में लगा लो यार यहाँ पे, क्योंकि फोर लाइन रोड बनना है तो अब उतने चौड़ा रोड नहीं रहा। क्या हुआ मैम? तेल खत्म हो गया भैया, पेट्रोल वगैरह मिल जाएगा यहाँ पे? हाँ आगे वैसे तो पेट्रोल पंप खुल गया है, 2 किलोमीटर है, आपके पास वगैरह नहीं होगा, आपके पास नहीं होगा, चलो कोई नहीं कोई नहीं, आगे देख लेंगे। कहाँ गए थे तो कहाँ पे खत्म हुआ पेट्रोल? यहाँ तो जंगल है, यहाँ पेट्रोल पंप भी आ गए बहुत। अब आप मंदिर जा रहे हो, कम से कम देखो तो भाई कहाँ पे जा रहे हो, जंगल वंगल पड़ता है, थोड़ा चेक करके चला करो। एक्चुअली क्या हुआ था ना, इसमें मूवी ऑयल नहीं है तो ये ना एवरेज। अच्छा अच्छा, तो कहाँ से पीछे से खत्म हुआ, कहाँ से? यहाँ से थोड़ा सा पीछे से खत्म। तो पैदल ही लेके जा रहे थे भाई, तुम्हारा तो बढ़ता बन जाता तुम्हारा। सो वैसे तो मेरे पास पाइप भी है शेयर करने के लिए, क्योंकि भाई मैं लेके घूमता हूँ। खुला पेट्रोल तो नहीं देखे शायद, नहीं देखे, पैर लगा लोगे तुम जैसे टो करके ले जाते हैं, मतलब पैर लगा के तुम अगर स्कूटी चला लो, मैं पैर लगा दूंगा पीछे से। भाई मारो मुझे, मारो मारो। अरे मैं पैर लगाऊंगा स्कूटी में भाई आपकी। हाँ आप आगे करो स्कूटी। नहीं नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। अरे पैदल जाओ, पागल हो गया ऐसे, इतनी बहुत दूर है भाई यहाँ से, 2-3। हाँ बहुत दूर बैठ रहा है, कोई नहीं मैं लगा के देखता हूँ, पैर बैठो आप स्कूटी पे बैठो। अरे कोई बात नहीं, रुको एक मिनट मैं देख लूँ लग जाएगा, नहीं इस पे लग जाएगा और इस पे भी लग जाएगा। एक काम करना तुम इधर की साइड रहना, आप इधर की साइड रहना, मैं उधर से लगा के देखता हूँ। ओ भाई यार इनके पास तो होना चाहिए यार, ये रोड वगैरह बन रहे हैं तो मोस्टली रहता है ये साइड्स वगैरह पे, बट देख लेंगे टो करके अगर चली जाए तो। ले तो जाऊंगा स्की पे निकी आग पे, रुजा 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 रुजा, ऊपर ले लो थोड़ा ऊपर की साइड, मेरी साइड ले लो, मेरी साइड थोड़ा। ओह भाई 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 महाकसम, चला लोगे ना? आराम से चलना, बस ऐसी इसी लाइन में चलना। सो गाइस ले तो हम जाएंगे, क्योंकि भाई अपने को भी बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस, तो गियर चेंज कर लेते हैं, थर्ड में ही लगा लेते हैं यार, क्योंकि आवाज़ ना बहुत लाउड है। क्या? अरे नहीं उड़ेगी। मैं ही उड़ाऊंगा तुम्हें तो, मतलब आगे पहुंचा दूं। तुम तो उल्टा यार, तुम ना उल्टा ही सोचा करो ठीक है, एक तो हम हेल्प कर रहे हैं। ओहो शिट, मैं कह रही मैं पैर कैसे लगाऊंगी भाई, तेल मेरा खत्म हुआ है, तुम्हारा खत्म हुआ है, पैर मैं लगाऊंगा? यहाँ तो आराम से जा रही यार वैसे भी। चलो चलो चलो। सो गाइस भाई भयंकर बहुत ही तगड़ी स्कूटी चल रही है भाई, देख रहे हो पैर है तुम्हारे भाई का, पैर ही खतरनाक है भाई। चलो चलो चलो। क्या क्या हुआ? अच्छा अरे कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हें दे, अगर 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 लड़की को रोड पे देख लेना ट्रक वाले तो साइड में घुसा देंगे। अच्छा माँ की कसम, क्या पैर में बहन जो थोर वाली, मैं कह रहा हूँ थोर वाली जान आ गई मेरे पैर में, एक पैर में मैं वहां से यहाँ लेके आ गया भाई स्कूटी को, माँ कसम लेवल वाला भाई पैर ही पैर है भयंकर थोर का थोड़ा। चलो आज इन्हें पर लगाए दूंगा 80। अरे
अरे आगे से टर्न ले लेना, आगे से टर्न, मैं कह रहा हूँ आगे से टर्न ले लेना, आगे आप आगे से। तो भाई यार इनको छोड़ते हैं फटाफट से, मिलते हैं आपको। यार एक काम करते हैं यार, पूरा व्लॉग शूट ही कर लेते हैं, जब हो ही गया तो मैं कंटेंट है, कंटेंट मजा आ गया यार। खैर ऊपर वाले हैं दो चार लोग और दिला दे, बाकी प्यारी लग रही है कि नहीं लग रही है, स्वीट सी लग रही है यार छोटी सी। यहाँ से टर्न ले लेना, ब्रेक मार के आराम से। तो यार प्रॉपर इनको छोड़ देते हैं क्योंकि, चलो 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 चलो, मैं हाथ पैर लगा दूंगा, भयंकर थोर का थोड़ा हो रहा है पैर। ओए चलो 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 चलो, यार इधर से चढ़ाई पड़ रही है यार। और क्या थोड़ी कैसी तैसी होती हुई गाइस, भयंकर यार बहुत जोर पड़ रहा है। बाकी तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है, क्या कह रहे हो, भयंकर हेल्प कर रहा है, तारीफ कर रहा है, दोनों चीजें कर दू है। क्या अभी देखा तो है नहीं, अभी देखना जरा, मैं आंखें प्यारी है और नशीली, मेरी आंखों में नशा है ना। कुछ भी कुछ भी कुछ नहीं कुछ नहीं, तेल डलवाओ फटाफट से, मुझे घर जाना है। आगे से ना कभी भी जाते हो ना ऐसे एरिया में जहाँ पे लगे पेट्रोल वगैरह नहीं, आप हो कहाँ से वैसे? चंद्रमणि चौक पे। तो अगर आप इधर जाते हो कभी पहले तो तेल चेक करके चला करो, क्योंकि सिटी वगैरह में तो आसपास ही है पेट्रोल पंप, इधर तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम, किसी को कॉल ना कर लेते। हाँ, नेटवर्क नहीं आती, नेटवर्क। हाँ यार ये भी है, भयंकर नेटवर्क का ही बड़ा सीन है, एक टावर लगवाना पड़ेगा वहाँ के आगे ना मुझे। थैंक यू सो मच, इट्स ओके। आपने मेरे को मेरी गाड़ी में टोल लगाई, पता है क्या, तुम ना परेशान हो जाए, कितना दूर है यहाँ से, लेकिन मेरा पैर ना जो है ना थोर का है, तो समझ ही सकते हो यहाँ तक लेके आ गया तुमको। किस लिए? ये आप कितनी दूर से आए मुझे पता है। तुम कोई लोड तुम्हें तुम मैं लोडिंग वाला दिख रहा हूँ क्या तुम्हें? दे रहे हो तो फिर 20-25 दो, 500 के ना। अरे रखो यार, क्यों मजाक कर रहे हो, कोई नहीं, एक मेरा एक काम कर दो बस, पैसे रखो। एक्चुअली मेरा चैनल है यूट्यूब पे, कैमरा लगा हुआ है, शूट हो रही है वीडियो, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मैं एक डाल दूँ यूट्यूब पे, ये मेरे को एक कंटेंट मिल जाएगा हेल्पिंग। कोई दिक्कत तो नहीं है? फेस वगैरह जैसे आ गया है घर में? घर में कौन कौन है वैसे? मम्मी पापा भाई बहन। तो पैसे मत दो, मेरा सब्सक्राइब कर दो बस, ओपन करो आशु यूके राइडर के, सर्च करो। बाकी इंस्टा पे भी सेम नाम है, दिल कर तो फॉलो कर लेना। अभी फॉलो कर देती हूं आपको। चलो ऐसी कोई बात नहीं है, थैंक यू सो मच। फरिश्ते वैसे भी आते नहीं है ना, बता दो। क्या फरिश्ते? तो फरिश्ता हूँ क्या मैं? आप फरिश्ते की तरह ही आए हो एक तरीके से। हाँ ये कह सकते हैं कि यार अगर लाइक चाहे इसमें मैं हूँ चाहे आप, अगर कोई एकदम से मिल जाए ना हेल्पिंग के लिए तो लगता है कि हाँ भाई जेन्युइन बंदा है। चलो मैंने आज तक कभी टोल लगाई नहीं है, मैं डर गई थी जब सामने से ट्रक आया। कोई नहीं, वो ट्रक वाले ने घुसा तो बता तो रहा था, मैं उसने दूसरी साइड घुसा लिया, जब पता था सामने से वो स्कूटी आ रही है, स्कूटी पे वो बैठी है मतलब लड़की, लाइक क्या कहते हैं पापा की, सॉरी मतलब ऐसा सुना है डायलॉग्स वगैरह में। You search from here.